वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज है हमारा डे 27 ऑफ 30 डेज चैलेंज। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो और मैंने ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। 10 नवंबर से स्टार्टिंग है। मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि ये चैलेंज कंप्लीट होने वाला है और फिर मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर मेरे को रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि यार सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। मैं ना रेगुलर बेसिस पे अपना वही लाइब्रेरी जाना, पूरा सूट वूट करना, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को आके थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर मेरे को पूरा वॉइस ओवर करना पड़ता था। फिर जिनके पास वीडियो एडिट होती है उनको फिर मैं ड्राइव में भेजती हूँ, फिर उसके बाद वो मुझे एडिट करके एक दो घंटे बाद फिर से अपलोड करते, फिर मैं सेव करती हूँ, फिर शेड्यूल करके डालती थी। तो इसमें यार सच बता रहे हैं लाइब्रेरी में तो नहीं, लेकिन हाँ घर पर पूरा हैक्टिक रहता था, पूरा का पूरा शेड्यूल हैक्टिक रहता था। फाइनली ये चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, मेरी तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। सो अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आएगी भाई साहब, अब आएगी संडे को ही आया करेगी, मैक्सिमम टाइम एक आध दिन वीक में, इफ़ अगर मेरे पास टाइम हुआ तभी, ठीक है। बस मेरे को खुद में ऐसा था कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए ही थी, कि मैं चाहती थी कि मैं किसी भी काम को करूँ तो मैं लगातार कर सकूँ। सो बस मेरे साथ यही था, मैंने इसी वजह से ये चैलेंज कंप्लीट होने जा रहा है। बस सोच लो मुझे करना, और मेरे को एकदम ऐसा रहता था कि भाई वीडियो चाहिए ही चाहिए मुझे, मतलब मैं अपने जो एडिटर हैं उनसे इतना ज़्यादा मैं कहती थी मुझे वीडियो चाहिए है, आप एग्जैक्ट टाइम पे दे दीजिएगा, तो वो भाई मुझसे बड़ा परेशान रहते थे। बट फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया है एंड ये चैलेंज भी अब कंप्लीट होने वाले हैं। सो चलो लाइब्रेरी चलते थे, आई विल मीट यू आफ्टर दिस। ये रहा क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे 13 चैप्टर जो हैं वो आ रहे हैं और नॉट इन सिलेबस जो है वो 3 चैप्टर हैं, आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक। और ये सारे चैप्टर सब हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी को 2 बार रिवाइज़ करके और पीवाईक्यू भी सॉल्व करके। मुझे 3rd टाइम रिवीजन और करना है, जिससे हम इसको अच्छे से पैक करके रखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार और अच्छे से मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर हम रिवाइज़ कर लेंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं लास्ट वार इनका पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसको कंबाइन करके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 दिन में मुझे रिवाइज़ करना है किसी भी कीमत में, यानी कि 6 चैप्टर में डेली रिवाइज़ करूँगी एक दिन के अंदर। तो नेक्स्ट डे 6 चैप्टर हो जाएंगे, तो ओवरऑल 6 या 7 जो भी है, तो 2 टाइम्स मेरा रिविज़न हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में। एंड आप लोग बताइएगा आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि टू डू लिस्ट बनाती हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद जो भी मुझे करना होता है वो लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं ना 5 चैप्टर रिवाइज़ करने जा रही हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक का एप्लीकेशन प्रिंसिपल, जेनेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। अब आगे का आपको और बता देते हैं। फिजिक्स में मैं थर्मल फिजिक्स को 13 लेक्चर तक अच्छे से करूँगी और IUPAC जो है वो 16 लेक्चर तक और UVTS के 200 क्वेश्चन। सो स्टार्ट विथ बायोलॉजी और मैं 9 बजे के समथिंग ये टारगेट जो है अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ, और उसमें भी मैं सबसे पहले पढ़ने जा रही हूँ ये वाला चैप्टर गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो या इसे कंप्लीट करते हैं। एंड फाइनली इट्स डन, और जो टाइम हो रहा वो 10:10 हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं करने जा रही हूँ ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। सो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड फाइनली इट्स ऑल्सो डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट्स अ वेरी छोटा चैप्टर, ठीक है। सो चलो अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। Finally it's done, now let's move on to next chapter, that is genetics first. So yeah, इसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फाइनली इट्स ऑल्सो डन, अब बचे हैं सिर्फ 2 चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक का एप्लीकेशन और प्रिंसिपल, ठीक है। सो चलो इन दोनों ही चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट तो देखते हैं क्या करना है। एंड
ये दोनों चैप्टर करते करते 3 बजने वाले हैं, ठीक है। सो अब इसको कर देते हैं पैक, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक का एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, जेनेटिक्स फर्स्ट। सो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब 3 बजे से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पहले थर्मल फिजिक्स, ठीक है। सो इसे पैक करते हैं, बंद करते हैं, पैक करते हैं, ठीक है, और निकालते थर्मल फिजिक्स, ठीक है। और इसके ओवरऑल जो लेक्चर है वो आई थिंक सो 17 है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 लेक्चर कंप्लीट करने जा रही हूँ। पहले जो कल से छोड़े थे लेक्चर नंबर 11, 12 एंड 13, ठीक है। 10 वाला तो ऑलरेडी कल कर लिया था। यहाँ पे वही बता रही हूँ, 11, 12 एंड 13 कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो रिवीजन पोर्शन है उसे करेंगे। सो स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 11। एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारा कर लिया। काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, 4:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आयु पैक की तरफ, ठीक है। और इसमें मैं रिवीजन पहले करूँगी, फिर उसके बाद लेक्चर्स देखूँगी। तो भाई बिल्कुल भी समय नहीं है, सो चलो इसे जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहले तो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सारा का सारा लेक्चर्स देखे थे, बट वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज उसमें ज़्यादा वक्त लग रहा था। दैट्स वाई मैंने कहा छोड़ो लेक्चर ही देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे 16 लेक्चर कंप्लीट हो गए, अब लास्ट टारगेट बचा हुआ है जो कि है UVTS के 200 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है उसको अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वो सॉल्व नहीं किया था। फिर ये करने के बाद 8 बज गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे के सारे UVTS सॉल्व कर लिए और हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे 8:30 तक। एंड कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने ऐड ऑन कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पर टिक लगा रही हूँ क्योंकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख ही लो, अगर आप सुबह स्टार्ट करते हैं और शाम तक लगे रहते हैं तो आपका टारगेट तो कंप्लीट हो ही जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कुछ क्लिप्स थी जो मैंने रख रखी थी कि हाँ लास्ट में ऐड ऑन कर दूँगी पढ़ाई का अलग। और फिर उसके बाद यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड जिसके साथ मैं गई थी उसे कुछ कुछ सामान लेना था। और फिर उसके बाद हम लोग गए कहीं कहीं, और यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था तो वो मेरे को बाहर ले गया था कुछ कुछ खाने पिलाने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग गए थे ये गुपचुप, बताओ गुपचुप कौन से स्टेट में बोलते हैं। तो हम लोगों सबसे पहले ये गोलगप्पे खाए और फिर उसके बाद हम लोग गए थे एक जगह और जहाँ से हम लोग को सेक पीना था, बादाम सेक, ठीक है। तो यहाँ से गुजरते हुए गए तो हमने सोचा चलो ये वाली क्लिप भी ऐड ऑन कर देते हैं। और भाई जो सेक भैया बनाते हैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और फिर उसके बाद बस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।